अभी मैंने 12th पास किया और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैंने अपने एयरपोर्ट में अपना फ्यूचर सेट करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों, आज जो मैं आपको सेशन देने जा रहा हूँ वो हमारे स्टूडेंट का देने जा रहा हूँ जो अब इस समय इंडिगो एयरलाइंस में एज पैरामेडिक्स जॉब कर रही है। और मैं ये चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू के थ्रू हमारे उन स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले जो नर्सिंग स्टाफ में है और एयरलाइन एयरपोर्ट्स पे अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो मिस्टर संतोष, वेलकम सबसे पहले, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी जॉब के लिए। थैंक यू सर। और मैं और हरप्रीत आज बॉस से आपसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आप किस तरीके एंटर हुए, मीन्स आपने नर्सिंग किया तो उसके बाद आपने ये जॉब कैसे प्राप्त की? सर, मेरा कजिन वहाँ पे था तो उसके थ्रू मैंने किया था। ओके। क्योंकि वहाँ पे वैकेंसी निकलती तो हमें कोई आइडिया नहीं रहता। ओके। तो हमें कुछ नॉलेज भी नहीं होता कि हमें कितने टाइम बाद उसमें, जैसे तो एक वैकेंसी आती है कि हमें पता लग जाता है, पब्लिसिटी होती है। राइट। तो उसमें क्या है कि पब्लिसिटी इतनी नहीं होती, तो उसमें हमें एक्चुअल में रहता क्या है कि हमें किसी के थ्रू, कजिन के या जो एयरपोर्ट में हमारा वर्किंग है उसके थ्रू हमें अलाइन किया जाता है। ओके। तो जो कैंडिडेट्स नहीं है वहाँ के या एयरपोर्ट के, उनके रिलेशंस नहीं है, तो उन लोगों को बहुत बार कंसल्टेंसीज वगैरह पैसे ले लेती है उनसे, उनको ठग लेती है ये मान लो, तो उनको कैसे बचना चाहिए? उनको उसमें उसका वेरीफाई करना चाहिए कि वो रियल में है कि नहीं है। ओके। क्योंकि दिल्ली में ये चीज़ बहुत सारी फ्रॉड हो सकती है। राइट। इंडिगो एयरलाइन है, बहुत सारी मतलब उनके नाम से फर्जी भी होते हैं, ऐप्स होते हैं। तो उसमें अपना फर्स्ट ऑफ ऑल है कि हमें जो ऑफिस उनका है कि वहाँ हमें विजिट करना चाहिए। ओके। अगर हम ऑफिस में विजिट करते हैं देन ऑल इज क्लियर कि हम उसमें जॉब कर। तो फिर इंटरव्यू में क्या क्या आपसे पूछा गया, किस तरीके से? इंटरव्यू में हमें सर मेडिकल से रिलेटेड, जैसे कि हमें हेल्थ से डिपार्टमेंट से कुछ भी सर्जरी के रिलेटेड या कोई एमरजेंसी, बहुत सारे डिजास्टर हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे तो डिजास्टर का मेन रहता है। राइट। कि कोई बॉम्ब थ्रेट तो नहीं है या फिर कुछ ऐसी कोई मेडिकल एमरजेंसी हो जाती है, CPR देना है किसी को तो हमें कैसे हैंडल करना है, या फिर कोई पेशेंट बहुत गैदरिंग कर रहा है तो हमें उसको कैसे मैनेज करना है, तो उसमें भी हमारा रोल रहता है नर्सिंग का कि हमें उसको कैसे मैनेज करना है। और बहुत सारी चीज़ें होती है कि हमें नहीं पता होती, हमें वहाँ जाके उसके बाद में पता लगता है कि हमें कैसे उनसे डील करना है, जैसे बॉम्ब थ्रेट हो गया या कोई ऐसा शख्स है जो हमारे पास में कुछ ऐसी वस्तु छोड़ जाता है, हमें उसको टच नहीं करना होता। कि मेडिकल में ही हमारा बहुत बड़ा रोल है कि हमें उस चीज़ को, क्योंकि अगर कुछ भी इंजरी होती है तो हमारा सबसे बड़ा रोल हमारा मेडिकल का रहता है सर। राइट। तो उसमें क्या है कि हमारी प्रॉपर टीम रहती है, उसमें डॉक्टर्स होते हैं, नर्सिंग स्टाफ होते हैं और जैसे GDL लोग होते हैं वो भी होते हैं, मतलब पूरा ग्राउंड फोर्स होता है और इंक्लूडिंग पायलट और केबिन क्रू तक हमारा उसमें हेल्प करते हैं सर। तो बेटर है कि हमें बेस्ट ऑप्शन है एयरपोर्ट में हमारा जॉब, दिल्ली में जॉब कर सकते हैं हम। और उसके थ्रू हमें क्या है कि उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का, जैसे INET पे हम अप्लाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, बट उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें उसमें सबसे पहले हमें उसका ऑफिस विजिट करना है। विदाउट ऑफिस विजिट करें हमें कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि ये ऐसे कॉरपोरेट सेक्टर है जो पेमेंट नहीं देते हैं। Okay. अगर आपसे कोई पेमेंट का कोई करता है तो हम उसको इग्नोर करिए और उसको हम उसका जो नंबर है वो ब्लॉक कर दीजिए, क्योंकि वो आजकल ऐसे हैकर्स होते हैं जो आपका मोबाइल हैक कर सकते हैं, आपकी पेमेंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं कैसे भी। बिल्कुल। बट बेस्ट ऑप्शन है कि आप उसको ये चीज़ नहीं करें। मान लो जैसे हरप्रीत है, अभी +2 पास है और ये चाहते हैं कि मैं एयरपोर्ट अपना करियर बनाऊँ और साइंस बैकग्राउंड के हैं, तो ये अगर मान लीजिए नर्सिंग कर लेते हैं तो नर्सिंग में इनको क्या करना चाहिए सबसे पहले, ताकि ये आपकी तरह एयरपोर्ट पर जॉब पर आ सके? नर्सिंग में इनको सबसे पहले तो इनका जो माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे लाइफ में क्या करना है, एक अचीवमेंट गोल होता है, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि इनका वो होना चाहिए कि मुझे नर्सिंग में करना है या किसी और में करना है। अगर नर्सिंग में करना है तो BSc नर्सिंग आप कर सकते हैं, साइंस में बेटर ऑप्शन है, अगर आप उससे बड़ा कर सकते हैं तो वो आपके एजुकेशन। मेरा GNM है सर। ओके। GNM तो आपने कहाँ से किया? मेरा जुबिन नर्सिंग कॉलेज से सर। ओके। राजस्थान से, गंगानगर से है। तो मैं बेस्ट ऑप्शन ये देता हूँ कि नर्सिंग में बेस्ट ऑप्शन होते हैं सर हमारे पास, क्योंकि हम इंक्लूडिंग BA MA के अकॉर्डिंग हमारा जो चलता रहता है, एक वे चलता है वो, एक मतलब लाइफ ऐसी चलती है कि हमारा हम कभी लाइक कि बेरोजगार जैसे कि वैसे नहीं होते हैं, कि हमें कुछ ना कुछ वर्क मिल जाता है, जैसे हमें इंक्लूडिंग हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें तुरंत हमें ले लेते हैं, कर सकते हैं। और हमारा दिल्ली में होम केयर का भी ऑप्शन रहता है। ओके। तो होम केयर का हमारा वहाँ पे ऑप्शन है कि हम खुद का ऑफिस भी खोल सकते हैं और हम खुद होम केयर करते हैं, उसकी पेमेंट भी अच्छी होती है, तो उसमें क्या है 60,000 या 65-70 पर मंथ के अकॉर्डिंग, 24 आवर्स या 12 आवर्स के 35-38 आवर्स 30,000 ऐसे पेमेंट रहती है। Okay. तो उसमें भी हमारे बहुत सारे उसमें रेमुनरेशन वगैरह है सर।
और हम उसके लिए अगर हम अब्रॉड का भी कर सकते हैं, अब्रॉड में बहुत सारी वैकेंसीज आती है नर्सिंग की है okay. और उसमें हम नर्सिंग असिस्टेंट भी जा सकते हैं यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, तो वो हमारी स्टडी पे भी है किसी तरह हमें स्टडी भी, और आयरलैंड में हम विदाउट उसके विदाउट आईलेट्स के और ओटी के जा सकते हैं okay. तो उसमें हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है कि हम आयरलैंड जा सकते हैं जिन बच्चों की अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है और जो अपना फ्यूचर सेट करना चाहते हैं वो आयरलैंड का जा सकते हैं, आयरलैंड में एज ए नर्सिंग असिस्टेंट, तो उसमें भी हमारा बैंड रहता है कि कौन सा हमारा बैंड मिलेगा, लेकिन उसमें मेरा नर्सिंग का ही काम रहता है सर ओके okay. नर्सिंग के अलावा मैं उसके अलावा कुछ नहीं करना होता, और नर्सिंग में हमारा सबसे बेस्ट है, हमें पेमेंट उतना ही मिलेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता जितना हमें एज ए नर्सिंग स्टाफ को मिलता है, उससे थोड़ा सा कम होता है, बट हमारी लाइफ जो यहाँ चल रही है उससे बेटर होती है, और वहाँ का लाइफ स्टाइल है सबसे बेस्ट है सर, जो आयरलैंड का है, जो यूके का है, ऑस्ट्रेलिया का है, दी बेस्ट ऑप्शन है सर। अभी मैंने 12th पास किया और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मैंने अपने एयरपोर्ट में अपना फ्यूचर सेट करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसके लिए आप बीएससी नर्सिंग करिए, जैन आप बीएससी नर्सिंग कम्प्लीट होता है तो उसके बाद में आप अपना एक इंटरव्यू का सर से प्रिपरेशन करिए पीडी क्लासेस में, जिससे कि आपका बेस्ट स्पोकन अच्छा हो। मैंने भी किया था सर से, सर के थ्रू ही मेरा वहाँ पे इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस आया था, तो सर से मैंने ऑनलाइन भी क्लासेस ली थी और मैंने ऑफलाइन भी सर से प्रैक्टिस लिया हुआ, इससे मुझे मतलब कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आया था कि मैं कर सकता हूँ। तो आप उसके बाद में आई नीट पे या कहीं भी जाके उसका अप्लाई कर सकते हैं, देन आप विजिट करना है फर्स्ट ऑफिस, कि आपको ऑफिस विजिट करना ही है, चाहे वो इंडिगो एयरलाइन हो या विस्तारा हो या कोई भी इंडिगो एयरलाइंस का कुछ भी हो, तो आपको विजिट करना है, वो आपको ऑल इंडिया कहीं भी वैकेंसी दे सकते हैं, तो बेटर ऑप्शन है कि आप वहाँ पे ऑफिस विजिट करेंगे, देन यू कैन। इंटरव्यू किस तरीके से होते हैं, मीन्स क्या रेशो रखते हैं, क्या सिस्टम होता है इंटरव्यू का? अगर आप रिज्यूम डालते हो तो उसके विद इन 20 or 25 days के बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, उसमें आपको मेल डालेंगे, उसमें आपको मेल में मीटिंग में थ्रू उसमें आपका ऑनलाइन होता है, इसमें एक डॉक्टर रहता है, एक HR रहती है और एक आपका इंटरव्यू होगा, तो उसमें आपको क्या है कि ऑनलाइन ही इंटरव्यू होता है, सारा इंग्लिश में होता है प्रॉपर, तो आप उसमें हिंदी भी बोल सकते हैं, बट बेस्ट है कि आप इंग्लिश में देंगे तो बेस्ट है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन, तो बेस्ट है कि आप इंग्लिश में दें तो बेटर है। और रिज्यूमे अप्लाई करने के लिए हमें कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? रिज्यूमे अगर हमें आई नीड या ऐसे कुछ चाहिए होती है एक होती है उनमें कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि आपको ऑफिस विजिट करना ही होगा okay, उसी का बेनिफिट मिलता है। लेकिन हाँ, अगर वो आपको बोल देंगे हम आपको डाल देंगे रिज्यूम डाल देंगे, आप रिज्यूम डाल देंगे उसके बाद आपको बोल देंगे हम आपका इंटरव्यू फिक्स करते हैं, आपका सिलेक्शन है, तो हम आप उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं, अगर वो आपसे पैसे की डिमांड करते हैं देन इज फ्रॉड ओके। तो एक नर्स से क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो एयरपोर्ट पर, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए नर्स में? क्वालिटी सर बेस्ट है कि उन्हें फर्स्ट एड का नॉलेज होना चाहिए, एमरजेंसी का सबसे बेस्ट नॉलेज, क्योंकि एमरजेंसी ही सबसे जरूरी है। हॉस्पिटल में तो सर पूरा डॉक्टर होता है, बहुत सारी चीज़ होती है राइट, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर भी होता है, लेकिन नर्सिंग का सबसे बड़ा रोल होता है, लेकिन नर्सिंग को वहाँ पर अपना सबसे बड़ा रोल निभाना है ओके, क्योंकि नर्सिंग वहाँ के लिए लाइक गॉड, तो कि आपको कुछ भी एमरजेंसी है तो आपको ही हैंडल करना है वहाँ पर, तो वहाँ पे ब्रीथ एनालाइज होता है, वैसे तो जैसे कॉकपिट हो गया, केबिन क्रू हो गया, उनका ब्रीथ एनालाइज टेस्ट होता है, जो कि उनका एल्कोहल तो नहीं लिया हुआ ओके, तो वो टेस्ट होता है, जैसे हमारे पुलिस वाले करते हैं कि किसी ने एल्कोहल तो नहीं लिया राइट, वो सेम होता है, लेकिन उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पर आपको डॉक्टर नहीं मिलते हैं, तो उसमें आपको अकेले ही हैंडल करनी होती है चीज़ें, तो उसमें आपको बेस्ट है कि आप एयरपोर्ट में हैं तो आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छी मिलती है, आपको उसमें अलाउंस मिलता है, आपको उसमें मेडिकल इंश्योरेंस मिलता है फैमिली को बहुत सारी ट्रेवलिंग के लिए। सो मिस्टर संतोष, आपने जो भी बातें बताई दोस्त वर रियली वेल, और मुझे लगता है इससे हरप्रीत को भी बेनिफिट मिला, क्योंकि मोस्टली क्या होता है 12th पास कैंडिडेट ही सबसे पहले जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, खास करके एयरपोर्ट एयरलाइंस पर, और उनको ये नहीं पता होता हमें किस तरीके से अपना करियर बनाना है। अब मान लीजिए आपको नॉर्मल एयरपोर्ट जॉब्स के लिए जाना है तो भी आप ध्यान रखेंगे, कभी भी फ्रॉड लोगों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सबसे पहले संतोष जी ने बताया जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं एयरपोर्ट पर, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले नो पेमेंट एट ऑल इफ दे डिमांड। दूसरी बड़ी बात, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी पर्सनालिटी, अपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छे से रखो, चाहे वो आप कहीं भी करो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी तैयारी करो। इंपॉर्टेंट ये है कि देखो, अगर आपको नर्सिंग में अपना करियर बनाना है तो मुझे लगता है एक ऑर्डनरी आप नर्सिंग जॉब कर रहे हैं और एक एयरलाइन में जॉब कर रहे हैं तो फर्क तो होगा यस सर, और शायद स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी वहाँ बहुत अच्छा होगा सर ओके। और क्या रेमुनरेशन वगैरह के अलावा आपको क्या फैसिलिटी मिलती है? इसमें अलाउंस मिलता है सर ओके, और वो हॉस्पिटल में हम जो जॉब करते हैं तो हमें अलाउंस नहीं मिलेगा ओके, जितनी आपकी सैलरी फिक्स है 25-23 उतनी ही मिलेगी ओके, उसमें आपको सैलरी प्लस आपका अलाउंस होगा, और उसमें आपको ग्रेजुटी मिलती है, उसमें आपको बोनस मिलता है, इसमें आपको थ्री मंथ एफिशिएंसी बोनस मिलता है, जो आपका सीएल का होता है, जो सीएल का कोई नहीं देता, ये इसमें एयरपोर्ट में मिलता है सर। और देखिए, आपने जैसे बीएससी करो या जीएनएम करो,
तो दोनों में ही जॉब अवेलेबल है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपने बीएससी करना जरूरी है, ऐसा नहीं है जी एन एम, बट बीएससी मैं कहूँगा बीएससी बेस्ट ऑप्शन है, ओके, बट जी एन एम और बीएससी दोनों ही कर सकते हैं। ओके, और बेस्ट है कि आप 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो जी एन एम के, आफ्टर जी एन एम तो बेस्ट है। ओके चलिए, अगर फ्रेशर भी जा अप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेशर्स, यस सर, वैसे आपका तो एक्सपीरियंस होगा। यस मेरा तो, पर वहाँ आपने देखा कि फ्रेशर्स भी आते हैं। यस सर, चलिए भी जो लोग नर्सिंग के अंदर, हाँ जी, बट उसमें है कि अगर फ्रेशर है तो उसमें एमरजेंसी हैंडल करना चीज़ से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। जिसको अपना करियर नर्सिंग बनाना है और एयरलाइंस का उसका ड्रीम है एयरपोर्ट पे जॉब के लिए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है। और हम लोग हरप्रीत कॉन्ग्रेट्स करते हैं हमारे स्टूडेंट को, संतोष को, फॉर हिज सिलेक्शन। ओके, और हम चाहेंगे, और आपके साथ एक और हमारे स्टूडेंट ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, यस सर, उनका नाम मिस्टर हनुमान। स्पेशल थैंक्स फॉर सर, सर ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, और सर से मैंने ऑनलाइन भी क्लासेज ली थी और सर से मैंने ऑफलाइन भी यहाँ पे क्लासेज ली थी। और हनुमान इस समय जो जॉब कर रहे हैं वो किस में है? वो मेरे सामने है सर, पैरामेडिक्स। पैरामेडिक्स में, और इंडिगो में? इंडिगो में। चलिए, आपके मतलब इक्वल लिंक जॉब है दोनों की? यस सर। ये बहुत अच्छी बात है, रियली प्राउड। हमारा सबसे बेस्ट है कि हम 6 ईयर से साथ में है सर। ओके, यहाँ भी आते हैं हम साथ में रहते हैं। मुझे खुद को नहीं पता लगता, इवन रिसेंटली मैं पुणे से आ रहा था तो बीच में मैं एयरपोर्ट पर जैसे ही उतरा तो मुझे एक पर्सन मिला, वो बोले सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, तो उसने टैक्सी वगैरह, वो उनका वो चार्ज था, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए कभी हम भी मिलेंगे एयरपोर्ट पर। चलिए, नाइस मीटिंग विद यू। थैंक यू सर।